नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एस मैक प्रोटोकॉल इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट की बाकी वीडियोज़ चाहिए, ऑल वीडियोज़ चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एस मैक प्रोटोकॉल। तो एस मैक सेंसर, मैक एस का मतलब क्या होता है? सेंसर। मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल। आपको मीडियम एक्सेस कंट्रोल का अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस जाकर जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बता भी दूँ तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेंसर मैक क्या है? प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स है। इज अ मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो इस एस मैक प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली विशेष तौर पर वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। तो एस मैक इज़ अ पावर सेविंग मैक प्रोटोकॉल। तो एस मैक क्यों बनाया गया? पावर सेव करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, जो कि इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी का यूसेज है, उसको कम किया जा सके सेंसर नोड्स में। इट अचीव्स दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग सेवरल एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बाय यूजिंग सेवरल, बहुत सारे मैकेनिज्म को यूज़ करके एनर्जी सेविंग। जैसे पहला क्या है? ड्यूटी साइकिलिंग। ड्यूटी साइकिलिंग का पहले बता चुका हूँ आपको बहुत बार प्रीवियस वीडियोज में, अभी बताता हूँ। तो एस मैक डिवाइड्स द टाइम इनटू स्लीप एंड अवेक पीरियड्स। तो सेंसर मैक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि एक टाइम को डिवाइड कर देता है कि स्लीप कि इस टाइम पर सोना है और इस टाइम पर जागना है, दो पीरियड बना देता है। एंड इट अलाउज द सेंसर नोड टू स्लीप ड्यूरिंग द स्लीप पीरियड्स टू कंजर्व एनर्जी। तो ये क्या करता है? सेंसर नोड्स को अलाउ करता है, परमिशन दे देता है कि आप सो सकते हो जब आप कोई डेटा सेंड नहीं कर रहे हो, ताकि आप एनर्जी को बचा सको। अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है? एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि मैं, जैसे मान लीजिए एक मोटर चल रही है, वो 30 सेकंड के लिए ऑन है, 70 सेकंड के लिए ऑफ है। तो 30 सेकंड के लिए जब वो ऑन है तो उसका जो ऑन टाइम है, एक्टिव टाइम है ना, उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं कि वो कितने देर के लिए एक्टिव है। तो 30% उसकी क्या हो गई? ड्यूटी साइकिल हो गई। तो इसी में इसी तरीके से हमने इसमें क्या किया है कि टाइम को डिवाइड कर दिया कि कुछ टाइम के लिए वो सो सकता है और कुछ टाइम के लिए उसको जागना पड़ेगा ताकि वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके। इससे क्या हो गया? हमारी एनर्जी बचेगी, बैटरी हमारी बचेगी। सेकंड पॉइंट क्या है? लिसन बिफोर टॉक। तो एस मैक प्रोटोकॉल रिक्वायर्स द सेंसर नोड्स टू लिसन बिफोर दे ट्रांसमिट। तो एस मैक प्रोटोकॉल को क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है कि वो पहले सुने ट्रांसमिट करने से पहले, टू अवॉइड कोलिजंस। मान लीजिए सेंडर है, एक रिसीवर के पास डेटा भेजना चाह रहा है, और एक और सेंडर है जो रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है। तो ये सेंडर अगर डेटा भेजेगा तो कोलिजन, टकराव होने के चांसेस हो गए। तो उसको पहले सुनना पड़ेगा, जो रिसीवर है वो उसको बता देगा कि मेरे पास अभी डेटा दूसरे नोड से आ रहा है, तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, आप दूसरे टाइम पर अपने डेटा को भेजिए। तो इस तरीके से हम कोलिजन से बच सकते हैं। लिसन बिफोर टॉक, वही है ना कि पहले बात करने से पहले सुनो। वही हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं ना, कई बार किसी को ऐसे ही ब्लेम कर देते हैं, तो उसकी बात भी सुन लेनी चाहिए कि उसने अगर कुछ किया है तो क्यों किया होगा, कुछ रीज़न रहे होंगे। ठीक है, कहाँ पहुँच गया मैं? तो इट कोलिजन सेंट टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन ऑफ आइडल लिसनिंग। तो वो कोलिजन से टकराव बचाने के लिए और एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए लिसनिंग जरूरी है, आइडल लिसनिंग। ठीक है, फिर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि एस मैक यूज सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट द सेंसर नोड्स आर अवेक एंड रेडी टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक स्कूल है जो कि सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक ही चलता है बस, और एक उसी स्कूल में शाम का टाइम लगता है, मान लीजिए सुबह का जो टाइम है 8 से 1 का टाइम है वो लड़कों के लिए, और 1 से 5 या 6 बजे का टाइम है वो लड़कियों के लिए। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, लड़का है कोई, तो वो अपना 2 बजे वाले स्कूल में जा रहा है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई ना, उसका उसका टाइम तो क्या है, सुबह 8 से 1 बजे का टाइम है। तो इसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि जिस टाइम जो टाइम है उसी टाइम पे उसको जाना है। अगर वो उस टाइम पे जाएगा तो जा नहीं पाएगा ना, ठीक है, उसका पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो, मतलब उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, सिंक्रोनाइज नहीं है वो अदर स्टूडेंट्स के साथ जो उसके क्लासमेट्स हैं। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको एग्जांपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म यूज़ करता है, सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है कि एक ही टाइम पे वो जगे, जो भी सेंसर नोड है, अगर उसको मान लीजिए मैस एक सेंसर नोड है वो कुछ टाइम के लिए जगी हुई है, मतलब अवेक है, ठीक है,
लेकिन दूसरी सेंसर नोड उस टाइम पर सोई हुई है, तो वो डेटा भेजना भी चाहे तो कैसे भेजेगी, नहीं हो पाएगा ना ऐसे। तो दूसरी सेंसर नोड को भी उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, इसी टाइम पर ये सोएंगी, इसी टाइम पर हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल एस मैक इज़ अ वाइडली यूज मैक प्रोटोकॉल। ओवरऑल अगर बात करें तो जो सेंसर मैक प्रोटोकॉल है अपना, वो ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज मैक प्रोटोकॉल है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यूज होने वाला। इट हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन ऑफ सेंसर नोड्स एंड एक्सटेंडिंग द लाइफ टाइम ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है उनके लाइफ टाइम को बढ़ा देता है, एनर्जी को सेव करता है। हाउ एवर इट हैज़ सम लिमिटेशंस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो अभी सुन लीजिए। सच एज हाई लेटेंसी, देरी ज़्यादा करता है वो, इसलिए अभी एक वाला थोड़ा पंगा हो गया ना, तो उस वजह से लेटेंसी हो जाती है। एंड द नीड फॉर गुड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, विच में नोट भी सूटेबल फॉर एप्लीकेशन, जो सभी एप्लीकेशन के लिए वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है। तो ये अपना मैस प्रोटोकॉल था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दो चार शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स के लिए, ठीक है। वीडियो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं बाकी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।